हेलो गाइस, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डार्क लाइट गेमिंग वाईटी। और वापस से आ चुका हूं मैं एक और नए गेम प्ले के साथ। आज का ये प्लेयर का नाम है सुमो। इसके साथ मैं पहले भी खेल चुका हूं, जहां तक मुझे याद है तो इसने मेरे को हरा के एक बार थोड़ा सा छीला था, चिढ़ाया वगैरह था काफ़ी। तो हो गया, आज का दिन अलग है, मोमेंट अलग है, देखते हैं क्या मैं इसको हरा पाता हूँ या नहीं। और शुरुआत ही लैग के साथ हुई, देख रहे हो मेरे फ़ोन में एक भी ग्राफिक्स जो है ना गिरे नहीं है, आया ही नहीं वो सिंबल, फिर भी लैग कर रहा है। अब तो मत बोलना कुछ लोग कि ये मेरे फ़ोन की दिक्कत है, ये दिक्कत नेकी के ही है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम दोनों ने ही अपने मोस्ट ब्रोकन कैरेक्टर्स को पहले उतार दिया है गेम के अंदर, और यहाँ पर उसको फ्रैक्चर्स पड़ चुके हैं 3 ठो, ये चौथा फ्रैक्चर। पता है मैंने सोचा था कि मैं इस सीज़न को जो है बुलवॉक के साथ ही खेलूँगा, लेकिन आज सुबह मैंने बुलवॉक को बदल दिया था और अपनी टीम में कुछ टाइम के लिए ही बुचर को रख लिया था कि मैं खेलना चाहता था उसके साथ कि कैसा खेल रहा हूँ, अभी तक कुछ सुधरा है कि नहीं मेरा गेम प्ले। और मेरा अभी तक उसके साथ कोई गेम प्ले नहीं सुधरा है, और दिक्कत इस फ़ोन की भी है। यहाँ पर देखो यार, जब अपन लोग रोल इन करते हैं तो अपन लोग को ये शेडो मूव लगता क्यों है? अपन तो सोच समझ के रोल इन कर रहे हैं ना। ये नेकी को सुधारना पड़ेगा वापस से। एसवे वालों देख लो ये वाली चीज़, शायद तक एक ग्लिच है। मतलब अगर उसने फ्लूट बजाया ठीक है, तुम रोल इन कर रहे हो क्योंकि तुमको पता है कि तुम डॉच करना चाहते हो, तो भाई जब तुम फुल अवेयर हो तो तुमको डॉच कर लेना चाहिए ना। ये कौन सा लैग है भाई? ये दिक्कत नेकी की है मेरे हिसाब से। तो अगर वो लोग सुधार ले तो सही है, यहाँ पे उसकी हीलिंग ख़त्म हो गई है। हाँ, तो मैंने अपनी टीम में बुचर को रख लिया था आज सुबह, और बुचर के साथ केट को रख लिया। दोनों को अच्छे से मैं यूज़ नहीं कर पा रहा था इस फ़ोन में। पिछले वाले फ़ोन में भी मैं बुचर को यूज़ नहीं कर पा रहा था, मेरे साथ दिक्कत है ये बुचर वाली। यहाँ पर मेरे को कितना शानदार क्रिटिकल मिला है, देखे हो तुम। हाँ, तो दिक्कत थी मेरे साथ बुचर के साथ कि मैं खेल नहीं पाता हूँ उसके साथ अच्छे से। तो एक प्लेयर मिला आज मेरे को, जस्ट फाइट प्लीज़। भाई ने कितना ज़्यादा यार, मतलब हद से ज़्यादा उसने कमांडर प्रेस को यूज़ किया, और ऊपर से फालतू के कुछ ये इमोट्स वगैरह कर रहा था, और इमोट्स के साथ जो है कैंपर भी था, वो टोटल कैंपर ही था। मेरे पास वीडियोस पड़ी, अगर वो मना करेगा ऐसा कुछ के लिए तो मेरे पास दोनों के दोनों वीडियोस पड़ी हैं, दोनों गेम प्ले की। दोनों में ही मैं हार गया था क्योंकि मैं हेल्गा भी इस टाइम पे इस फ़ोन के साथ यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से। दिक्कत मेरी ही है गेम प्ले की, या तो फिर फ़ोन की इतनी दिक्कत नहीं है, फ़ोन तो अच्छा ही है, तो मेरे अंदर ही कमी है कि मैं इस फ़ोन के साथ नहीं खेल पा रहा हूँ। लेकिन इतना टॉक्सिक बंदा, मैंने बस उसको बोला कीप फाइटिंग, क्योंकि वो बार बार पीछे जा रहा था बहुत ज़्यादा, तो इतना चिढ़ गया वो और ज़्यादा ही कैम्प करने लगा। और ज़्यादा कैम्प करने के बाद मेरे को जो है ना इमोट्स वगैरह किया उसने बहुत सारे। तो भाई सुन, अगर अगली बार कभी मिल गया ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं, कसम से बता रहा हूँ। इतना ज़्यादा मूड ख़राब हो गया उसके साथ खेलते हुए, लग रहा था कि मैं फ़ोन फेंक दूँ अपना, लेकिन नहीं, उसको तो मैं पेलूँगा बहुत ज़्यादा गंदा ही अगर कभी मिल गया मेरे को तो। उसको मैंने हराया हुआ है, ऐसा नहीं कभी हराया नहीं हूँ, बहुत बार हराया है मैंने उसको। और तुम लोग भी खेले होगे बहुत सारे लोग, तुम ही लोग बताना कैसा प्लेयर है वो, इतना घटिया प्लेयर साला, उसको क्या ही बताऊँ, मतलब मूड ऑफ हो जाएगा ही बोलूँगा तो गालियाँ निकल जाएंगी, वो देना नहीं चाहता मैं। खैर, अगली बार जब मेरी टीम के साथ वो मिलेगा, जो मेरी स्पेशल टीम होगी जिसमें मार्कस होगा या बुलवॉक होगा या फिर कोई और प्लेयर होगा, मतलब प्लेयर नहीं कोई और कैरेक्टर होगा बुचर के अलावा कोई भी एक, तो मैं उसको अच्छे से संभाल लूँगा। दिक्कत बस यही बुचर की हो गई कि मैं बुचर यूज़ नहीं कर सकता, जबकि इतना बेहतरीन कैरेक्टर है, मेरे को सीखना पड़ेगा बुचर, मेरे को लगता है कि बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन कैरेक्टर है, लेकिन मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ उसको अच्छे से। खैर, यहाँ पर उसकी बस थोड़ी सी हेल्थ बची हुई है, और यहाँ पर उसकी वो हेल्थ भी चली जाएगी। इसने अच्छा खेला, देखो मैं इसके साथ ज़्यादा कुछ उटपटांग बातें करूँगा नहीं, क्योंकि इसने काफ़ी अच्छा खेला, भले चाहे इसने मेरे साथ एक बार टॉक्सिक कुछ इमोट्स वगैरह किए थे। और हाँ, इसने मेरे वेल प्लेट का जवाब नहीं दिया, तो मैं इसके साथ फ़ाइट तो करूँगा नहीं वापस से, रीमैच मैं नहीं करता उन लोगों के साथ जो मेरे वेल प्लेट का जवाब अच्छे से नहीं देते, मजाक कर रहा हूँ। आज का ये हमारा दूसरा प्लेयर है पीयूष नाम का, बहुत ही अजीब तरीके का प्लेयर है, पैसिव है बहुत ज़्यादा, बहुत बार पैसिव ना रह के एग्रेसिव मोड में आता है, लेकिन एग्रेसिव मोड में आता है स्पैमिंग के साथ, स्पैम करता रहेगा बार बार। खास तौर पर इसने लिंक के साथ ही किया था, वेट गेम कर रहा था ये, और जैसे ही मैं पास जाऊं तो बेसिक पेल दे मेरे को बना के अच्छे से, मुँह ही में मारता था साला बेसिक, ये एक और बेसिक पड़ी। साला जब से ये फ़ोन लिया हूं तब से मेरा आतंक ही ख़त्म हो गया भाई, ऐसे में के अंदर हर एक कोई मार के चला जा रहा है गंदे तरीके से। खैर सहेंगे, ये कुछ नहीं कर सकते हैं अपन इसमें, थोड़ा सा बस मेरे को टाइम लगेगा इस फ़ोन के साथ अपने हाथ बैठाने में, क्योंकि बहुत ही हैवी फ़ोन है ना, मैंने पिछले बार ही बताया था कि हैवी फ़ोन है काफ़ी और बहुत बड़ा है,
तो दिक्कत होती है इतने बड़े फ़ोन को यूज़ करने में। जो मेरा पुराना फ़ोन था वो इतना बड़ा नहीं था, थोड़ा साइज़ में छोटा था, पकड़ने में अच्छा था, हैंड फील काफ़ी अच्छा था। इसका हैंड फील इतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, और ये ख़ास तौर पर वीडियोस वगैरह देखने के लिए बना, वीडियोस बनाने के लिए नहीं बना ये। तो देखते हैं, और देखते ही देखते हमारा जो बुलवॉक है निपट गया है, बहुत गंदे तरीके से मारा उसने, लेकिन 11 फ्रैक्चर्स पड़े हुए हैं। और अपन का मार्कस आ गया है यहाँ पे। बहुत समय के बाद मार्कस का गेम प्ले देखने वाले हो तुम लोग। अच्छा वाला क्वालिटी गेम प्ले था ये मेरे लिए तो मार्कस का। देखो मैं खेलता बहुत अच्छा हूँ मार्कस के साथ, लेकिन बीच में इतना ज़्यादा मैंने यूज़ कर लिया था कि अपने चैनल को बचाने के लिए मैंने मार्कस को अपनी टीम से निकाल दिया। इतना ज़्यादा किसी एक कैरेक्टर को यूज़ नहीं करना चाहिए ना, फिर दिक्कत होती है। तो मैंने मार्कस को हटा दिया, जबकि मैं मार्कस में कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रहा था। देखो मैं जितनी ज़्यादा तारीफ़ करते जा रहा हूँ मार्कस की, उतना ज़्यादा ये पिटता जा रहा है। कभी कभी ना मेरा मार्कस धोखा दे देता है मेरे को। ये आज क्या वही मोमेंट है, देखते हैं कैसा रहेगा आज। और मेरा शेडो बार फुल है, अगर मेरा शेडो कनेक्ट होता है, हाँ नहीं हुआ, उसने आराम से डॉच कर लिया। तो क्या यहाँ पे, हाँ बिना शेडो को कनेक्ट किए भी मैंने उसको निपटा दिया बहुत आराम से। इसका मतलब मैंने फालतू में ही शेडो एनर्जी यूज़ कर ली थी। कोई बात नहीं, यहाँ पे उसका अजूमा आ गया, और अजूमा मेरे को यूज़ नहीं करने देगा अपनी शेडो एनर्जी को। तो यहाँ पे दिक्कत है मार्कस के साथ। देखते हैं मैं कैसा खेलता हूँ। ब्लॉक ब्रेकर मिला, बहुत ही प्यार से दिया गया है मेरे को ब्लॉक ब्रेकर। और यहाँ पर इसका हैवी किक, हाँ यार वो जस्ट फॉर फाइट ओनली, नहीं जस्ट फाइट ओनली, अरे यार लगता है मैंने टूथपेस्ट का नसाज ज़्यादा कर लिया है। हाँ तो जस्ट फाइट प्लीज़, वो वाला प्लेयर जो है ना उसके साथ मैं अब क्या करूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कैसे मिलेगा वो। मिल जाएगा तो फिर मज़ा आ जाए थोड़ा सा उसके साथ खेल के। मैंने पहले हराया हुआ है, इस बार पता नहीं मेरे को क्या हो गया था, मैं नहीं खेल पाया यार अच्छे से। और उसके साथ ही नहीं, बहुत सारे प्लेयर्स के साथ मैं अच्छा खेल नहीं पा रहा हूँ इस टाइम पे। बहुत सारे मैच मैं हारा हूँ, पर फिर भी मेरे 2700-2800 पॉइंट्स तो आराम से बनते थे। लेकिन मेहरबानी है SFA के टेक्निकल डिफीट्स वालों की कि मैं अभी 2500 या 2600 कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास। इतने सारे टेक्निकल डिफीट्स, करीब 200 से 300 ट्रॉफी, मैं कम ही बोल रहा हूँ ये, ठीक है। इससे ज़्यादा ही ऑलमोस्ट मैं हार चुका हूँ इस सीज़न में, बार बार लगातार टेक्निकल डिफीट। अब तो मैं सोच रहा हूँ कि एक ठो उसका वो कोलाज बना लूँ और तुम लोगों को पोस्ट करूँगा कितने सारे मेरे को टेक्निकल डिफीट्स मिले हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होता, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने ये बात कही है। ये प्लेयर जो है ना अपनी जगह से हिलता नहीं है भाई, अरे इसके साथ दिक्कत क्या है, अलग ही प्लेयर है ये भाई। हिल, थोड़ा सा कुछ हलचल दिखा कि पता चले जिंदा है कि नहीं। और एक ठो फायर मारने की कोशिश थी उसकी, देख रहे हो हिल ही नहीं रहा है वो, खड़ा है अपनी जगह पे। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, और उसको एक अपर अटैक लगा, उड़ते उड़ते गया भाई अपना। और यहाँ पे उसका शेडो मूव लग गया मेरे को बहुत प्यार से। और अब मेरा मार्कस यहाँ से जीत तो नहीं पाएगा मेरे हिसाब से, केवल 150 HP बची हुई है, 150 रुपया देगा, वही वाला कुछ सीन। कितना अच्छा मैंने बोला यार, लगता है सिंचन का मेरे को वॉइस एक्टर बन जाना चाहिए। उसकी वॉइस एक्ट्रेस जो है बहुत गंदी है, अच्छा नहीं बोलती इस टाइम पे, मेरे को देखने में मज़ा नहीं आता। अब यहाँ से मैच किसी भी तरफ पे जा सकता है। एक फ्री का ग्रैब मिला मेरे को। ये प्लेयर ने, तुमने देखा होगा कैसा खेला है, इतना ज़्यादा ठीक तो नहीं खेला। वापस से मेरे पास 395 HP कुछ बची हुई हैं, अब उसके पास मेरे ज़्यादा कम है। और यहाँ पे वो ख़त्म हो चुका है, OCV मैंने दे दिया मार्कस के साथ उसको। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लीज़ कर देना, ठीक है। ज़रूरत है मेरे को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा, तो प्यार और थोड़ा सा विश्वास देना मेरे को कुछ टाइम के लिए, और लाइक भी कर देना वीडियो को। गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सो मच।